नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल के कोई फिजा इलाके के वीआईपी रोड तालाब किनारे लगे पेड़ से लटककर एक 27 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक दीपक कुशवाहा सुबह घर से नौकरी पर जाने का कहकर निकला और शाम तक घर नहीं पहुंचा था। जब घर वालों द्वारा ढूंढा गया तो उसके छोटे भाई को उसकी डेड बॉडी खानू गांव बड़े तालाब के किनारे के जंगल में एक पेड़ से लटकी हुई मिली। कोई फिजा पुलिस ने मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जिससे आत्महत्या क्यों की इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने कि मृतक वल्लभ भवन में फोर्थ ग्रेड में नौकरी करता था। उसे अपने पिता की जगह पर अनुकंपा पर नौकरी मिली थी। पुलिस ने बताया कि दीपक की इसी साल दिवाली के बाद शादी होने वाली थी। फिलहाल पुलिस ने मर कायम का जांच शुरू कर दी है। वहां पर लाश टंगी हुई है वीआईपी रोड के तालाब किनारे पेड़ से टंगा हुआ। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची तो उसके परिजन भी वहां पर आ गए थे। उनके द्वारा बताया कि दीपक कुशवाहा नाम का व्यक्ति है जो कि 27-28 साल का है, जो खानू गांव का रहने वाला है और वो बल्लभ भवन में काम करता है। कल सुबह वो बल्लभ भवन के काम करने के लिए निकला था, जो 11-12 बजे उनको सूचना मिली कि वो वहां पर पहुंचा नहीं है काम करने, तो इनने तलाश शुरू करी तो शाम को वो वहां पर फांसी पे लटका हुआ मिला। अभी किस कारण से उसने फांसी लगाई है ये चीज अभी क्लियर नहीं हुई है। बाकी मर्ग कायम करके जाँच में लिया गया है। नहीं, ऐसा अभी कुछ प्राथमिक जांच में ऐसा कुछ नहीं आया, उसके कोई भी सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है, ना ही कोई परिजनों द्वारा शंका जाहिर की गई है। अगर कुछ उनके द्वारा बताया जाएगा तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।